shit. Hey guys, assalamualaikum to all filmers, this is Yakal, welcome back to our channel, that is Vines Cast. So guys, आज हम RDX मूवी के एक एक्शन फाइट सीन के ऊपर अपना रिएक्शन देने वाले हैं. रोबोट टोनी जेवियर 2023 की मूवी है और ये जो मूवी सक्सेस मूवी है, अराउंड 80 करोड़ का इसने वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है. केरला से सिर्फ 50 करोड़ का इसने बिजनेस किया था और ऑफकोर्स बजट से ज़्यादा कमाई है. इट्स अ हिट मूवी. स्टार्ट करते कास्ट जो है वो बिल्कुल अलग है. मलयालम लैंग्वेज की मूवी है लेकिन हिंदी में अवेलेबल थी. फिर बताएंगे कैसा लगा. जिस लड़की के पीछे तू घूम रहा है ना, उसे बंद कर दे वरना तुम्हारे यहाँ देखने वाले तुम्हारे माँ बाप की हड्डी पसली मिलेगी. चला कहीं कहीं लाख भर तू मार. अच्छा, इसको नहीं मारेगा, माँ बाप को मारेगा. Logical fight. I really like the chair shot, man. प्यारा था बहुत. That's our main three heroes. The confidence level of hero. Awesome.
कहानियां ऐसी होती है ना कि आपको बांध के रखेंगे, नॉट लाइक बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि तीन तीन घंटे की बन जाती है लेकिन स्टोरी कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट द फाइट सीन। बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक फाइट सीन था, जैसे लड़ रहे थे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैं नॉट ओवर द टॉप फाइट सीन, मतलब दिमाग गड़बड़ होने वाली फाइट नहीं थी। एंड में जो दिखाया कि वो जो आग लगी डंडी थी वो उसकी वजह से जो ब्लंडर हुआ, बस कुछ जगहों पर ऐसा फील हो रहा था कि जब वो लात मार रहा था तो वो लात बहुत ज्यादा दूर थी, तो उसमें कैमरा कट की मिस्टेक है। अगर कैमरा थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखाते तो वो इतना ज़्यादा साफ नज़र नहीं आता। बट ओवरऑल फाइट वॉज गुड, तीनों ने मिल के मारा है, खुद पिटे भी है। एंड में वो जो बंदा था जो मेन विलन था उसने तीनों के ऊपर भारी भी पड़ा था, तो डैट वॉज रियली अमेजिंग। बहुत मज़ा आया, पसंद आया। तो कोई और सीन देखेंगे इस मूवी का, तब तक अपना ख्याल रखिए।